अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टी20 मैच की। पहला टी20 मैच पाकिस्तान जीत चुका है। बाबर आजम की शानदार परफॉर्मेंस के हवाले से आप लोग क्या कहना चाहेंगे, एक प्यारा सा जुमला टाइप करें। यहाँ पे आप लोगों को पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टी20 मैच के टाइम टेबल जो चेंज हुआ है वो भी बताया जाएगा, मौसम की सूरत हाल भी बताई जाएगी, दोनों टीमों की कन्फर्म प्लेइंग 11 क्या है, दोनों टीमों की तब्दीलियों के साथ तमाम तर तफसीलात आज की इसी वीडियो में मुकम्मल डिटेल मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मोहम्मद आमर को पाकिस्तान टीम में शामिल कर लेना चाहिए या नहीं। आप लोगों ने अपना कीमती कमेंट करके इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। सबसे पहले देखते हैं इंग्लैंड की कन्फर्म प्लेइंग 11। नंबर 1 की बात करें डेविड मलान, नंबर 2 जैसन रॉय, नंबर 3 की बात करें यहाँ पे हैं जॉनी ब्रेस्टू, नंबर 4 की बात करें लियम लिविंगस्टन पहले टी20 के हीरो, नंबर 5 इयन मॉर्गन, नंबर 6 की बात करें बेन स्टोक्स, नंबर 7 की बात करें मोइन अली, नंबर 8 की बात करें यहाँ पे आदल रशीद, नंबर 9 की बात करें क्रिस वॉक्स, नंबर 10 की बात करें मार्क वुड, नंबर 11 की बात करें टॉम करन। तो यहाँ पे फ्रेंड आप लोगों को बताता चलूँ, पाकिस्तान की जो कन्फर्म प्लेइंग 11 होगी उस हवाले से मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल देता हूँ कौन सी तब्दीली की गई है। नंबर 1 बाबर आजम कैप्टन, जिन्होंने 85 रन की इन्हें खेली 49 बॉलों पे। नंबर 2 की बात करें फ़खर जमान, 9 बॉलों पर 26 रन बनाए इन्होंने। नंबर 3 की बात करें सोहेब मकसूद, नंबर 4 मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 की बात करें मोहम्मद हफीज़, नंबर 6 आज़म खान, नंबर 7 वाइस कैप्टन पाकिस्तान शादाब खान, नंबर 8 इमाद वसीम इंतहाई अच्छे ऑलराउंडर, नंबर 9 मोहम्मद हसनैन, नंबर 10 की बात करें हारिस रऊफ, नंबर 11 शाहीन शाह अफरीदी। पाकिस्तान की कन्फर्म प्लेइंग 11 भी आप लोगों ने देखी। दूसरा टी20 मैच कौन सी टीम जीतेगी, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ, दूसरा टी20 का मैच टाइम टेबल जो है 6:30 पाकिस्तानी वक्त, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, 18 जुलाई 6:30 पर मैच शुरू होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।